हेलो फ्रेंड्स दिस इज राहुल वेलकम टू जेरफ टीमर्स सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम टेस्ट टेन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द लास्ट टेस्ट ऑफ 200 एमसीक्यू सीरीज फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपके साथ टेस्ट वन टू तो टेस्ट नाइन भी डिस्कस कर चुका हूँ होप्स आपने उन वीडियोस को भी देख लिया होगा तो इस जो तो टेस्ट का लेवल है वो मॉडरेट रहने वाला है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे जो हो सकता है आपको ईजी भी लगे कुछ क्वेश्चन हमारे इंडरेक्ट भी रहने वाले है, जो हैं जो स्टेटमेंट और बेजर्शन रीजन रहेंगे हो सकता है वो आपको डिफिकल्ट भी देखने को मिल सकते हैं तो इसलिए इसका जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट रहेगा हर एक क्वेश्चन के हम साथ में एक् एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे ओके सो चलिए टाइम को वेस्ट किमना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर मैं काफी सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कर चुका हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स के रिगार्डिंग जिसमें मैंने कंप्लीट यूनिट्स की वीडियो भी डाल रखी है तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफी बेस्ट रहने वाली है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के साथ मैंने प्रीवियस प्रीविशन एमसीक्यू भी शेयर कर रखा है तो वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड तो फ्रेंड्स पूछ रखा है जो डिफरेंस होता है एक्चुअल सेल का और सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट का उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं ए इन पॉइंट बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सी कंट्रीब्यूशन डी कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट तो फ्रेंड्स एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इजी भी है होप्स अपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा

जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतनी ही हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ रहेगी बेसिकली हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो हमारे लिए क्या ही? एक स्ट्रेंथ का ही काम करेगा सो हायर द एम एस हायर विल बी द प्रॉफिट तो ये देशन रीजन में भी आपसे क्वेश्चन आस किया जा सकता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके क्वेश्चन नंबर इन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच द कंपनी क्लासिफाइड्स इज डिफरेंट बिजनेस ऑन टू डाइमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स तो बेसिकली बीसीजी मैट्रिक्स की बात करी जा रही है वट डज द होरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट तो कह रखा है कि जो बी मैट्रिक्स होते हैं उसमें जो होरिजेंटल होती है होरिजेंटल मैं आपको बताता हूँ ये होरिजेंटल है और ये वर्टिकल है ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछ रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द ओरिजेंटल एक्स रिप्रेजेंट ए रिलेटिव मार्केट शेयर एंड स्टेटमेंट सेकेंड कहती है वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्केट ग्रोथ शेयर इज इट ट्रू तो आपको बताना है कि क्या कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये दोनों ठीक है ये दोनों गलत है

एक सबसे बेस्ट मार्केट हमारी मानी जाती है स्टार ठीक है जहां पे मार्केट शेयर भी हाई रहता है और हमारा ग्रोथ रेट भी हाई देखने को हमें मिलता है क्वेश्चन मार्क बेसिकली ऐसा है जिसमें मार्केट शेयर तो हमारा लो है लेकिन वहां पर ग्रोथ अच्छी है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पॉइंट हो सकता है अगर यहां आप इन्वेस्ट करो ठीक है क्योंकि फिलहाल के लिए ग्रोथ रेट वहां पे हाई चल रही है लेकिन आपका मार्केट शेयर यहाँ पे कैसा रहेगा कम रहेगा कैश का जहां पे हमारा जहां पे हमारा मार्केट शेयर तो क्या है हाई है लेकिन जो ग्रोथ है वो कैसी है हमारी लो है ठीक है तो यहां से आपको कैश विद्रॉ करना है उसको या तो आप स्टार में लगाइए या आप क्वेश्चन मार्क की साइड ले जाइए ऐसा है जिसको हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं क्योंकि ना तो यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर होता है और ना ही यहाँ पे हमारी ग्रोथ रहती है मार्केट की ठीक है प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनीिटी ऑफ लेबर तो कह रखा है कि भैया अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबर इंटेंसिव है इसका मतलब जहां पे जो काम है बेसिकली लेबर के थ्रू Uh, करवाया जाता है उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है एवेबिलिटी ऑफ लेबर कि लेबर है तो प्रोडक्शन चलती रहेगी अगर लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी वहां पे तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो बजट तैयार करने वाले हैं वो कैसा होगा फिक्स्ड बजट होगा फ्लेक्सिबल होगा प्रोडक्शन बजट होगा और फैक्ट्री ऑफरेट बजट होगा तो सारा जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा मतलब आपको केस स्टडीज को समझना है ठीक है अब एक कंपनी ऐसी है जहाँ पे लेबर के ऊपर काम चल रहा है अब लेबर होगी तो काम चलेगा नहीं होगी तो नहीं चलेगा तो इसके लिए सीधी सी बात है आप किस तरह का बजट आप बनाओगे होप सो अटेम्प्ट कर लिया होप्स चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सो इट्स आंसर इज फ्लेक्सिबल बजट हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अगर लेबर है तो हमें ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है अगर लेबर नहीं है प्रोडक्शन ही नहीं चल रही तो हमको बजट की रिक्वायरमेंट ही क्या है उसके अंदर ठीक है जब पैसे ही नहीं इन्वेस्ट हो रहा हूँ वहाँ पर तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट जो है हमें देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कम्स अंडर विच ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग

ठीक है जैसे कि प्रॉफिट सेंटर हमने बना दिया या कॉस्ट सेंटर ये सब आपस में मिलके क्या है एक कोऑर्डिनेशन uh, का काम करेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी जो है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट क्या रखा है मीडियन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड क्लासेस तो बेसिकली जो ओपन एंडेड क्लासेस होती हैं उनके लिए उनमें मीडियन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते स्टेटमेंट टू कह रहे हैं मीन लाई बिटवीन मीडियन एंड मोड इन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो हमेशा उनके सेंटर में आएगा स्टेटमेंट थ्री दे एयर्थमैटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज लाइज इन द क्लास ठीक है विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी के बीच में जो है एयर्थमैटिक मीन लाई करेगा स्टेटमेंट फोर कहते हैं मीडियम इज द सेम एज वन ऑफ द क्वार्टाइल वैल्यूज तो मीडियम जो है वो सेम है एज वन ऑफ द क्वार्टर वैल्यू तो क्वार्टल वैल्यू जो होती है हमारी ठीक है उनमें से जो हमारा मीडियन uh, है वो किसी ना किसी के साथ क्या रहेगा सेम रहेगा ओके तो क्वार्टल वैल्यू की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टल होता है ठीक है सेकेंड क्वार्टल थर्ड क्वार्टल इस तरह से होता है तो so, उनमें से किसी भी के साथ हमारा मीडियन जो रहेगा वो सेम रहेगा तो इनमें so, से आपको सिलेक्ट करना है कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है

मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीडियन एंड मोड बट ये ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है अगर हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ठीक है नॉर्मल की बात करें तो हर एक जगह जो है मीन जो है बीच में लाई नहीं करता है ये भी हमेशा याद रखना स्टेटमेंट थ्री है द एथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज लाइज इन द विच हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बट इट दिस इज नॉट ट्रू ये ट्रू नहीं है कि जो मीन है वो हमेशा उसी क्लास में लाई करेगा जिसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारी कैसी है गलत है बट हमारी फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है मीडियन इज इक्वल टू द सेकेंड क्वारल तो यह हमारे हमेशा इक्वल रहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कंपनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए जॉब रोल विच स्टेट वेरियस स्किल्स मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड कंपिटेंसी नीड टू परफॉर्म ए जॉब दिस स्टेटमेंट इज नोन एज तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही है रिगार्डिंग द जॉब रोल ओके जिसके अंदर यह बताया जाएगा कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर होंगी, कितनी उस पर्सन के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसके पास ये सब चीजें बताएगी वो स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे ए जॉब डिस्क्रिप्शन बी जॉब स्पेसिफिकेशन सी जॉब डिजाइन डी जॉब ल्यू प्रिंट होप्स कर लिया होगा चलिए देखते उसका आंसर क्या होगा सो इट्स आंसर इज जॉब स्पेसिफिकेशन याद रखना जब हम बात सिर्फ एक एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है जब हम पर्टिकुलर जॉब के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं तो वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉपी राइट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेवन कॉपी राइट एक्ट नाइन सेवन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है ए रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क इज कंपल्सरी कंडीशन अंडर द एक्ट फॉर स्विंग टू क्लेम स ऑफ इनफ्रिजमेंट तो बेसिकली क्या रखें कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है अगर आप डेमेजेस को के रिगार्डिंग केस करना चाहते हैं फाइल करना चाहते हैं ओके इट इज द राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर्स ऑफ लिटरेसी म्यूजिक एंड आर्टिस्ट वर्क तो बेसिकली क्या रखें कि जो राइट right है हमें किस चीज के रिगार्डिंग मिलता है क्रिएटर्स uh, को मिलता है म्यूजिक आर्टिस्टिक वर्क के लिए मिलता है सी कह रखा है ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन स्पेशल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ब्रॉडकास्ट फॉर फिफ्ट ट्वेंटी फाइव ईयर तो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को ट्वेंटी फाइव ईयर्स के लिए राइट्स ग्रांट किए जाते हैं इसके अंदर लिटरेरी ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक वर्क इन्जॉयज कॉपी प्रोटेक्शन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस सिक्सटीन ईयर्स बियॉन्ड ठीक है ए परफॉर्मर हैज स्पेशल राइट रिलेटेड टू हज परफॉर्मेंस टू बी बॉयॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ थर्टी ईयर तो बेसिकली इनमें हमें टाइम बता रखी है कि किसको कितने कितने टाइम का राइट ग्रांट किए जाते हैं किसके वर्क को कोई और यूज नहीं कर सकता ठीक है तो ये सब चीजें हमें बता रखी है अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा और अपना जो आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सो इट्स आंसर इज बी सी एंड डी तो बेसिकली अगर हम बात करें तो राइट right जो है किसको दिया जाते हैं कॉपीराइट राइट बेसिकली अगर हम बात करें जो म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं और जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं लिटरेरी वर्क होते हैं इन सबको ये राइट ग्रांट किए जाते हैं इसके अंदर अंडर द कॉपीराइट ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ईयर्स का टाइम दिया जाता है और अगर हम बात करें लिटरेस्टिक ड्रामेटिक और लिटरेरी ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क के अंदर तो लाइफ टाइम प्लस सिक्सटी ईयर्स उनको क्या मिलता है राइट right, प्रोवाइड करे जाते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट दर्शन कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कम्प्लीमेंट्री टू द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या रखा है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री का, का काम करता है टू द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या बैलेंस शीट से यहाँ पे कि जो बैलेंस शीट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहती है हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट उसके बाद अगर हम बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स तो बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा सोर्स और एप्लीकेशन फंड्स हमें बताता है

विच आर द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंस तो फिजिकल एविडेंस के कौन से एलिमेंट है फिजिकल एविडेंस होता क्या है जब भी सर्विसेज के केस में बात करते हैं जहाँ पे सर्विस परफॉर्म की जा रही है उसके आसपास का इन्वायरमेंट जैसे कि मान लो आ, मैं हेयर कट करवाने गया ठीक है सैलून में गया तो वहाँ पर ए सी भी था उसके पास हर एक चीज़ की फैसिलिटीज भी थी ठीक है वहाँ का एम्बियंस भी अच्छा था दिस इज अ फिजिकल एविडेंस मैं उसकी सर्विस की क्वालिटी उसके एम्बियंस से ज़्यादा पहचानने की कोशिश करूँगा तो ए इक्विपमेंट बी लेआउट सी फ्रंट स्टेज डी बैक स्टेज ई एम्प्लॉय ड्रेस एफ बिजनेस कार्ड डी जी साइन एज तो आपको सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे फिजिकल एविडेंस के होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सो इट्स आंसर इज बी दैट इज ए बी ई एंड एफ तो अगर हम बात करें इक्विपमेंट जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि मान लो एक हेयर सैलून में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास सीजर्स होती है ठीक है ब्लेड वट एवर जो भी है हेयर ड्रेसर तो ये हमारे इक्विपमेंट्स रहेंगे उसके बाद लेआउट वहाँ की डिजाइनिंग कैसी है ये इसके बाद एम्प्लॉय की ड्रेस उसके बाद बिजनेस कार्ड साइनेज तो ये सब चीज़ें क्या है फिजिकल एविडेंस के एलिमेंट्स होते हैं होप सो so. आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा चली देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ओके क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है एक साइड हमें बैरियर्स दे रखे हैं दूसरी साइड एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं बैरियर्स है स्टीरियोटाइपिंग हेलो इफेक्ट प्रोजेक्शन एंड डिस्टोशन अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ड्रॉइंगल थर्ड है डाटा काउंटरिंग आवर सेल्फ कंसेप्ट फोर्थ जजिंग समवन बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑन ए पर्टिकुलर ग्रुप नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं होप्स चले चलते हैं इसके आंसर पर so it's answer is C. डेट इज अगर हम बात करें स्टीरियो टाइपिंग तो स्टीरो टाइपिंग क्या होता है बेसिकली हम जज कर रहे हैं सम वन बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के बेस पर मैं किसी एक को जज कर रहा हूँ तो इट इज़ कॉल्ड एज स्टीरियर टाइपिंग इसको हम क्या कहते हैं स्टीरो टाइपिंग कहते हैं अगर हेलो इफेक्ट की बात करें तो ड्रॉइंग ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सिंगल करैक्टर हम सिंगल करेक्टरसिक्स के बेस पर कंक्लूजन निकाल रहे हैं जैसे कि एक पर्सन है वो ऑनेस्ट है तो मैं कह रहा हूँ ये हार्ड वर्किंग भी है ये ऐसा है ये वैसा है सिर्फ एक करैक्टरसिक्स के बेस पर मैं पूरा कंक्लूजन निकाल के बैठ गया तो दिस इज अलो इफेक्ट प्रोजेक्शन की बात करें तो परसीव फेवरेबली अबाउट दूस हु वर्क सिमिलर टू देम कोई किसी के सिमिलर है तो मैं भी उसको उसके ही मान के चल रहा हूं तो दिस इज द प्रोजेक्शन डिस्ट्रोशन की बात करें तो डाटा काउंटरिंग आवर सेल्फ कंसेप्ट हम अपने सेल्फ के बेस पर डाटा को क्या कर रहे हैं काउंटर कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे आंसर uh, हो जाएगा इसका सी चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ओके क्वेश्चन नंबर है स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट कहते हैं मैनेजिंग ऑनलाइन रिव्यू एंड कमेंट्स ऑन ए कंपनी पर्सनल वेबसाइट और ब्लॉग आर द मेजर रोल ऑफ ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन ऑफ ए कंपनी ठीक है कि हम ऑनलाइन रिव्यूज और कमेंट्स को मैनेज करते हैं किसी भी कंपनी के तो ये पार्ट है किस चीज का पब्लिक रिलेशन का स्टेटमेंट सेकेंड क्या है इनबाउंड मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग टेक्निक्स इन विच कंपनी अट्रैक्ट सस्टेन एंड सेटिस्फाइड कस्टमर एट एवरी स्टेज ऑफ देयर जर्नी ठीक है तो इनबाउंड मार्केटिंग बारे में बता रखे हैं नीचे हमें ऑप्शन दे रखे रखें होप्स फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सो इट्स आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट तो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन रिव्यूज़ और रिगार्डिंग द कमेंट्स कंपनी के मैनेज कर रहे हैं तो ये पार्ट है हमारा पब्लिक रिलेशन का बेसिकली हम पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो नीचे काफी सारे रिव्यूज़ या कोई भी प्रोडक्ट की साइट पर जाएंगे अमेजन पर जाते हैं तो रिव्यूज़ होते हैं वहां पे उनको मैनेज किया जाता है उनके रिप्लाइस करे जाते हैं तो ये क्या है पब्लिक रिलेशन कंपनी क्या करना चाहती है मेंटेन करना चाहती है दूसरा इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करिए अट्रैक्ट कर रही है सस्टेन कर रही है सेटिसफाई कर रही है कस्टमर को ठीक है ओके okay.

ठीक है जब हमने अपना काम पूरा कर दिया हम मान के चलेंगे हमारा हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया चाहे कैश मिला हो चाहे ना मिला हो तो उस टाइम हम उसको क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे वेन द कंपनी है कैट अगेन द सेल तो दो, दोनों केस में चाहे कैश मिला हो चाहे ना मिला हो तभी भी आप रेवेन्यू को क्या करोगे रिकोगनाइज करोगे तो ये दो प्रिंसिपल बेस्ड बेस होता है एक, एक और दूसरा मैचिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम तो पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट को क्या करना है सिलेक्ट करना है ओके तो पर्सनल इनकम को ए कह रखा है इनकम विच इज रिसीव बाय इंडिविजुअल बट इज इट इज नॉट अर्न इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम तो जो इनकम रिसीव कर गई है इंडिविजुअल के थ्रू लेकिन उसको अर्न नहीं किया गया इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम बी कहता है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस इनकम रिसीव बट नॉट अर्न माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव सी टू ड्राइव डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पर्सनल टैक्सेज मस्ट बी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम डी

तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम वो होती है बेसिकली जो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं स्पेंड कर रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लो ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्टिफन गुड्स वेम्ड एज इकोनॉमिक सर रॉबर्ट गिफन सी द दसिटी ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट डी लो ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड वन अदर थिंग रिमेन्स द सेम

क्वांटिटेटिव कंसेप्ट नॉट ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट जबकि अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा कैसा है ये क्वालिटेटिव मेथड है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स का है स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है डायमंड वाटर पैराडॉक्स एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी लो बट टोटल यूटिलिटी विल बी हाई फॉर डैश गुड्स तो बेसिकली डायमंड वाटर पैराडॉक्स जो कि इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है इकोनॉमिक्स के अंदर ये ये कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लो होती है लेकिन टोटल यूटिलिटी हाई रहती है कौन से गुड्स में ऐसा होता है स्टेटमेंट सेकंड क्या रखा है इन द केस ऑफ डैश गुड्स इफेक्ट नेगेटिव ऑन डिमांड किस गुड्स के केस में जो है है वो negative रहता है? On demand. Basically, price के बढ़ने से price के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कैसी रहती है बढ़ जाती है ठीक है देखने को मिलता है इफेक्ट ओके नीचे हमें गुड्स रखा है ए लग्जरी गुड्स गुड्स बी कंफर्ट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री सी नेिफन

डेट इज अगर हम बात करें टेंजिबल्स की रिलायबिलिटी की रिस्पॉन्सिवनेस और इसके साथ एम्पैथी और उसके साथ एजोरेंस ये सारे पार्ट है हमारे सर्विकल मॉडल के जबकि जो कम्युनिकेशन है इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विकल मॉडल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सेवनटीन विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द द सेम फॉर अ सर्टन पीरियड एंड इनक्रीजेज विद इन इंक्रीज इन तो फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है चाहे डिविडेंड थ्योरीज़ हो चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर की हो और एम एम थ्योरी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेम रहेगा बट इट इंक्रीजेज विद्रीज इन लिवरेज और जैसे ही लिवरेज बढ़ाएंगे मतलब की हम फिक्स सिक्योरिटीज का ज्यादा यूज करेंगे उससे जो है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ए एम एम अप्रोच बी ट्रेडिशनल अप्रोच सी नेट इनकम अप्रोच डी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा ओके सो इट्स आंसर इज बी दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि कुछ टाइम तक तो ठीक रहेगा कांस्टेंट रहेगा उसके बाद जैसे ही आप और ज्यादा उसका यूज करने लग जाएंगे डिबेंचर्स का उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके गुडनेस ऑफ फिट मेजर द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन तो गुडनेस ऑफ फिट किसके बीच में डिस्क्रिपेंसी को मेजर करता है ए ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू बी ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यूज सी एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू डी प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ओके होप्सेंट्स अपने लिया होगा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सो इट्स आंसर इज ए ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक है इसके बीच में जो डिफरेंस है वो मेजर करता है गुडनेस ऑफ फिट ठीक है जिसको हम काइस टेस्ट भी हम कहते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर अमंग द आर अबाउट पर्ट एंड सी पी एम तो फ्रेंड्स ये जो दोनों टेक्निक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट जो जितने भी टेस्ट हमने कर, यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं वीडियोज के फॉर्म में हमने देखे हैं सब में कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर किया गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ओके okay. फर्स्ट है सी पी शोज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज विद नेटवर्क विदर्ट रिक्वायर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट सेकंड कह रखा है इज इज इन इन नेचर एंड नेचर थर्ड कह रखा है इन पर्ट इवेंट मार्केट मार्किंग द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो कॉल्ड टेल इवेंट्स फोर्थ कह रखा है सी नेटवर्क एनालिसिस नेटवर्क एनालिसिसन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरिंग द कंप्लीशन टाइम फॉर द प्रोजेक्ट नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको सिलेक्ट करने हैं कौन सा ऑप्शन हमारे कौन स्टेटमेंट ठीक है सीपीएम okay. so, 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 की तो so सीपीएम का जो फोकस रहता है वो इवेंट के साथ साथ टाइम पर भी रहता है कि विद इन टाइम के अंदर ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही हमारा इवेंट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए लेकिन पर टेक ऐसी टेक्निक है जो इवेंट ओरिएंटेड रहती है इसका फोकस इवेंट को कंप्लीट करने में रहता है इसका फोकस टाइम बाउंडेशन में नहीं रखता ठीक है ये टाइम नहीं बताता कि कितने टाइम में हमें एक्टिविटी को कंप्लीट करना है डेट्स वाई को हम एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक भी कहते हैं ओके okay, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ओके क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा ट्वेंटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंक्रीज बाय तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय इंक्रीजिंग सेल पर यूनिट प्राइस पर यूनिट रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डी इंक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट सो इजी क्वेश्चन है बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो अगर हम सेल प्राइस को बढ़ा देंगे ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट भी क्या होने लग जाएगा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉफिट का इंक्रीज होने का मतलब क्या हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है एंड हायर दार्जिन ऑफ सेफ्टीज विल भी बेनिशियल फॉर द ऑर्गेजेशन होप्स फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और आपका जो स्कोर रहा होगा वो रहा होगा ओके okay. और आज जो था ये लास्ट टेस्ट था हमारा सीरीज का टू हंड्रेड एम सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है होप्स आपको सीरीज अच्छी लगी होंगी काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स क्वेश्चन को डिजाइन करने में उसको रिकॉर्ड करने में बाद में शेयर करने में ठीक है तो एक लाइक like तो बनता है सो so, अगर आप यू जी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ठीक है, है? फ्यूचर में आपको और भी बेस्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग